हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, अनिसेवान ने वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार सभी लोगों को संजोग राय ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज आप लोगों को मैंने बोला ही था कि मैं बहुत सारा जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस बार। तो अभी मैं एक यहाँ पर मेरा पीछे आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज बालासन का सिंगसोर ब्रिज में मैं आया हूँ और यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। तो अभी गर्मी है तो गर्मी कारण से इतने ज़्यादा मतलब में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, हमारा पहाड़ी इलाका में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो रहा है। तो इसलिए गर्मी को दूर करने के लिए तो अभी हम यहाँ पर आके ये ब्रिज में आए हैं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे नदी है जिसको हम लोग बालासन बोला जाता है और वहाँ पर हम लोग इंजॉय करने के लिए आए हैं। तो अभी मतलब कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया जिस जो मतलब कि बहुत ही मनमोहक दृश्य आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। तो आई होप सो कि मेरा वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे होंगे। तो पसंद कर रहे होंगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बिना सभी गवाती हुए आज यहाँ का नेचुरल ब्यूटी को आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे थोड़ी देर में स्विमिंग करने के लिए भी जाएंगे। तो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पर इस यहाँ का व्यू किस तरह का है और किस तरह से हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते मेरा पीछे बैकग्राउंड में चाय का जो आप लोग प्लांट देख रहे हैं। और अभी सीधा आपको ले जाएंगे ब्रिज की तरफ और ब्रिज किस तरह का है, क्या है, किस तरह का है आप लोगों को दिखाएंगे। तो लेट्स वॉच एंड एंजॉय माय वीडियो। देखिए यही है ब्रिज, सिंगसोर ब्रिज बालासन। और ये जो ब्रिज है बालासन नदी के ऊपर बनाया गया है। और हालांकि मैं यहाँ पर जैसे कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, अभी तक मैं आया नहीं था वर्षों का, मगर यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है तो इसीलिए हम उतना नहीं आ पाते थे। मगर अभी यहाँ आके आप लोगों को दिखा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए ब्रिज बहुत ज़्यादा मतलब लंबा है और ये ऊपर का जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं करशंग पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हमको देखना है कि नीचे जाना है, मगर किस तरह से जाए हम देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से हमको जाना पड़ेगा नीचे लग रहा है। तो देखते हैं जाएंगे नीचे की तरफ। सुंदर व्यू, ये ब्रिज तो हालांकि बहुत ही लंबा है, पूरा हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे। अब सीधा हम जाएंगे नदी की ओर और वहां जाके दिखाएंगे, दिखते रहेगा। तो अभी स्विमिंग करने के लिए जा रहे थे तो मतलब कि रास्ता बहुत ही मतलब ये ब्रिज का नीचे जाने का रास्ता बहुत ख़राब है, और फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं जाने का। और देखिए ब्रिज का नीचे वहाँ पर नीचे आपका स्विमिंग करने वाला एक जगह है तो वहाँ जाके स्विमिंग करेंगे। तो हालांकि देखिए आप रास्ता इस तरह का रास्ता होकर हमको जाना पड़ेगा, आराम आराम से जाएंगे और पहुँचेंगे और पहुँच के वहाँ का जो भी कुछ है आप लोगों को दिखाएंगे। तो मेहनत तो पड़ रहा है मगर फिर भी अच्छा भी लग रहा है, गर्मी भी है साथ साथ में इंजॉय भी हो रहा है। तो निकलते हैं अब यही सफ़र में नीचे नीचे। देखिए आप रोड देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ऊबड़ खाबड़ है। तो चलते हैं पहुँचेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ब्रिज के नीचे आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी नहाने का जगह ढूंढेंगे, एक जगह में बैठेंगे और उसके बाद में नहाना है। देखते हैं जहाँ पर सुइटेबल होगा वहीं पर नहाएंगे। चलते हैं नीचे और उसके बाद में एक जगह ढूंढेंगे और ढूंढ के वहाँ पर स्विमिंग करेंगे, वहाँ मुझे लग रहा है सही है तो जाएंगे वहाँ पर। तो इस साइड आए थे स्विमिंग करने के लिए मगर देखिए यहाँ पर पानी थोड़ा सा मुझे लगा गंदा लगा, तो फिर से अभी दूसरा साइड में जा रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा पानी थोड़ा सा अच्छा होगा तो वहीं पर जाके नहाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो देखिए हमें मेरा सबसे आप लोग दिखा सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा ठीक ऊपर ये ब्रिज है और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ऊपर का व्यू दिखा देते। देखिएगा ये रहा ऊपर मेरा, ऊपर मेरा कैमरा में देख सकते हैं। तो ये है
अभी जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पानी, थोड़ा सा क्लीन पानी ढूंढने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर ही नीचे ही ठीक रहेगा, देखते हैं। वो है वो यहीं पर थोड़ा सा पानी क्लीन लग रहा है और यहीं पर हम लोग जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो अभी पानी के अंदर आके नहा के बढ़िया लग रहा है, बहुत ही गर्मी लग रहा था, अभी ये पानी के कारण से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फीलिंग बेटर और ठंडा भी लग रहा है। तो देखते हैं, इन्जॉय करेंगे और यहाँ से आप लोगों को यहाँ से पानी का बहाव का व्यू भी दिखाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, पहाड़ का पानी बहुत ही ठंडा होता है और देखिए यहाँ पर। तो अब इसको थोड़ा सा दिखा देंगे क्लोज व्यू से आपका पानी किस तरह से यहाँ पर बह रहा है, तो दिखाएंगे। देखिए बहुत ही तेज़ बहाव से पानी नीचे की तरफ बह रहा है और वहाँ पर भी ग्रीस के नीचे भी बहुत ज़्यादा लोग स्विमिंग कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गर्मी में पानी ही सबसे बेटर लगता है ना, कि गर्मी को हटा भगाने के लिए। तो अभी हम भी इसी फॉर्मूला को एक्सेप्ट करके इन्जॉय कर रहे हैं और आप लोगों को भी यहाँ का बालासन का व्यू दिखा रहे हैं। तो अभी देखिए वहाँ पर भी लोग इन्जॉय कर रहे हैं और हम भी इन्जॉय करेंगे। ठीक है, तो इन्जॉय करेंगे, नहाएंगे, थोड़े से नहाएंगे, उसके बाद में बाकी जो भी करेंगे आप लोग को दिखाएंगे, दिखाते रहेंगे, तो देखते रहिएगा। तो अभी नहाना भी हुआ, अच्छे से नहा लिया, सतर ने बहुत ही अच्छा लगा, इन्जॉय मिला, क्योंकि बहुत दिनों बाद में इस तरह का ठंडा पानी से नहाने का मन, मतलब कि हो भी रहा था और आज भाग्यवंश ये मौका मिल गया तो अच्छा लगा। और यहाँ पर इन्जॉय तो अभी हम लोग कर रहे हैं और साथ साथ में बहुत सारा चीज़ों को भी हम रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ का मज़ा ही यही है, क्योंकि बहुत इस समय बहुत ज़्यादा मतलब लोग भागा दौड़ी में इधर उधर करते रहते हैं मगर अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, मगर जो भी हम अपना खाली समय मिलता है तो स्वयं में इस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। और साथ साथ में आप लोगों को भी मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना परिवार के साथ में, साथ में अपना जो भी नियर एंड डियर के साथ में अपना लाइफ एंजॉय कीजिए, क्या पता ज़िंदगी कल होना हो। तो अभी तो हम लोग यहीं पर ही, अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे ऊपर की तरफ, अभी बेस में जाएंगे और वहाँ से भी एक बार फिर से आप लोगों का थोड़ा सा दूसरे साइड का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे और थोड़ा बहुत इन्जॉय करके यहाँ से हम फिर से अपना घर कर्शन की तरफ वापस हो जाएंगे। मगर उससे पहले और आप लोगों को बहुत सारा ऐसा व्यू दिखाने का कोशिश हम लोग करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को मैं ये जो पानी का साउंड को भी आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये नेचुरल साउंड है, बिना कोई मतलब यहाँ पर किसी का भी मिलावट नहीं है, नेचुरल साउंड है। पानी का साउंड किस तरह का है आप लोग हम आज सुनाने का प्रयास करेंगे, तो देखते हैं और सुनते रहिए, सुनिएगा ये पानी का नेचुरल साउंड, तो आप लोगों को सुनाते हैं।
लोग देख सकते हैं, माछा मतलब कि फिशिंग भी यहाँ पर करने के लिए बहुत सारे लोग आया है। और कितना माछा मतलब कि फिश मारा हुआ है ये आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो देखिए आप करेंट से जाल से आप देख सकते हैं, तो आप लोगों को किस तरह से फिशिंग करता है वो तो हम नहीं दिखा पाएंगे, मगर कितना फिश मतलब कि मारा है उसको आप लोगों को दिखाने का प्रयास हम करेंगे। अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ से एक बार लास्ट ब्रिज को आप लोगों को दर्शन कराएंगे और बाय बाय भी बोलेंगे, ब्रिज को भी बोलेंगे। तो यदि टाइम मिलेगा तो फिर से एक बार आने का मौका मिलेगा तो फिर एक बार आएंगे और एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरह मतलब अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है ब्रिज का, तो इसीलिए एक बार आप लोगों को एक बार लास्ट दिखा देते हैं ब्रिज। देखिए तो ये आपका ब्रिज और बाय बाय अगेन आप लोगों को, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा तो फिर एक बार आएंगे और आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हमको जाना है इस रास्ते के थ्रू ऊपर, रास्ते में जो भी कुछ होगा आप लोगों को दिखाते जाएंगे, तो देखते रहिएगा रास्ते में, रास्ता का व्यू दिखाते दिखाते आप लोगों को जाएंगे, तो देखते रहिएगा। अभी हम घूम के आ गए हैं और आज आप लोगों को दिखाया किस तरह से
हम लोग बालासन ब्रिज गए थे और किस तरह से वहाँ पर इंजॉयमेंट किया और वहाँ का व्यू भी दिखाया, और आते समय भी आप लोगों को स्कूटी से जो जितना भी कवर हो सके आप लोगों को हम दिखाया। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह से संजोग रहे ब्लॉग्स को प्यार देते रहिएगा। मैंने जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी तरीके से अदर कंटेंट को भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक सभी साथ मिलजुल के रहिए, प्यार बांटिए, साथ साथ में ज़िंदगी में हंसते रहिए, हंसते हंसते ज़िंदगी काटिए, यही मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। और लास्ट में एक ही वर्ड हम बोलना चाहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो बाय बाय अगेन, गुड नाइट।